जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैंने वीडियो में जो नेकलेस पहना है वो मैंने खुद बनाया है, और मैं कैसे बनाई हूँ मैं आज मेरे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर का एक कपड़ा लिया है जो कि 2.5 इंच का है। अब इसके मैं दोनों तरफ उसको जोड़ूँगी, सिलाई कर दूँगी। अब मेरा ये कपड़ा मैंने स्टिच कर लिया है, अब इसको सीधा करना है, मतलब जो सिलाई वाला पार्ट है उसको मैं अंदर कर रही हूँ। इसके लिए डोरी को सीधा करने के लिए मैं सुई और धागे की मदद ले रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। यही वाला प्रोसेस मुझे इजी लगा, इसलिए मैं सुई और धागे से ही डोरी को सीधा कर रही हूँ। वीडियो में देख सकते हो मैं सुई और धागे के मदद से कैसे उसको बांध के फिर सुई को अंदर डालते हुए, और मैं धीरे धीरे सुई को बाहर निकाल रही हूँ और डोर को सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हो कैसे मैं धीरे धीरे करते हुए खींचते हुए डोर को, मैं डोरी को सीधा कर रही हूँ। अब हमारा डोरी सीधा हो गया है। ये मैंने कुछ मोतियाँ लिया है, आप देख सकते हो कुछ मोतियों के अंदर वाले होल जो हैं वो बहुत बड़े हैं और कुछ मोतियों के छोटे वाले होल हैं। मैंने एक डॉलर पहले से ही ख़रीदा हुआ था, उस डॉलर को मैं अभी वो डोरी के अंदर डाल रही हूँ। डॉलर को मैं पूरा डोरी के बीचों बीच रखूँगी। अब मैं बड़े होल वाले मोती को डोरी के ऊपर के हिस्से में मैं लगा रही हूँ। डोरी को उसका अंदर डाल दिया मैंने, और अभी डोरी के अंदर छोटे होल वाले मोती को मैं डाल रही हूँ। मेरा एक मोती, बड़े होल वाला मोती ऊपर के तरफ रहेगा और एक छोटे होल वाला मोती जो है वो अंदर के तरफ रहेगा। ऐसे ही मैंने इसी पैटर्न से इसको बनाया है, एक मोती अंदर एक मोती बाहर। आप वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे इसको बना रही हूँ। ऐसे ही मैं एक मोती अंदर एक मोती बाहर करते हुए मैं डोरी के दोनों तरफ को मैं ऐसे ही मोतियों से कवर करूँगी। अब आप देख सकते हो मेरा ये ज्वेलरी बन गया है, और मैं एंड में दो नट बांध रही हूँ दोनों तरफ ताकि मोतियाँ आगे पीछे ना हो जाए। लीजिए दोस्तों, मेरा नेकलेस बन गया। मैंने ऐसे ही एक और मेरून कलर के डोरी से नेकलेस बनाया था, आपको मैं दिखा रही हूँ। आप ऐसे चाहो तो इसी पैटर्न से आप किसी भी कलर का मैचिंग नेकलेस बना सकते हो। अब मैं मैचिंग ईयरिंग बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पहले से ही दो पीसेस रखे थे डोरी से, उसका एक साइड स्टिच कर लिया है मैंने, और अब वो पोटली जैसा बन गया है। उसके अंदर भी मैंने तीन मोती डाले हैं, एक बाहर दो अंदर। अगर आपको और लंबा ईयरिंग चाहिए तो उसमें कुछ मोती और ऐड कर दीजिएगा। अब मैं उसके ऊपरी हिस्से में ईयरिंग के लिए मिलता है ये हुक मिल रहा है, मैं ये हुक लगा रही हूँ और इसको मैं अच्छे से धागे से बांध रही हूँ ताकि वो हुक जो है वो निकल ना जाए। जब अच्छे से बांध लूँगी उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक लगा दूँगी ताकि धागा ना खुले, और हमारा ईयरिंग बन गया। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।